am Kavita and you are watching Charisma Miss and Mrs. India 2019. सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मुझे अदा क्रिएशन का मिला है और बेसिकली शुरुआत जिस तरह से बोलते हैं हम लोग कि ब्यूटी विद ब्रेन विद ह्यूमैनिटी का कॉम्बिनेशन था, तो ह्यूमैनिटी के तौर पे हमारी मुलाकात अदा क्रिएशन के हेड जो कि जिग्ना शाह जो हमारे साथ बैठे हैं उनके साथ हुआ और वहीं से स्टार्टअप हुआ क्योंकि वो बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि हम लोग कपड़े स्पॉन्सर करेंगे आपके इवेंट के लिए, तो जिस तरह से जिग्ना शाह का अदा क्रिएशन हमारे साथ जुड़ा तो उन्हीं के साथ साथ ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी चलता गया और आज आप देख रहे हो कि इतना इसका कितना सक्सेसफुल रिव्यू हम लोग दे सकते हैं। पता है कि मैं परमात फाउंडेशन से जुड़ी हूँ, परमात डिस्ट्रिक्ट फाउंडेशन, जिसमें वी केयर हर कैंपेन चलाना बहुत ही मुश्किल रहा मेरे लिए। मैं अकेली थी जो बहुत सारे रिमोट एरिया में जाके घरों घर घर जाके सैनिटरी नैपकिन्स देती थी, लेकिन बहुत सारे लोगों का साथ मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अगर ब्यूटी क्वीन हूँ, मैंने खुद जीता था मिसेस इंडिया वर्ल्ड पीस, तो मैं अगर ब्यूटी क्वीन हूँ और मैं साथ में सोशल वर्क भी करती हूँ, तो अगर मैं किसी को प्लेटफॉर्म देती हूँ ब्यूटी क्वीन का, तो डेफिनेटली वो भी सोशल वर्क करने में आगे बढ़ेगी। तो मैंने ये कंसेप्ट ही ये रखा था कि जो भी आप पे विनर्स बनेंगे और साथ में टाइटल विनर्स भी बनेंगे, वो रिमोट एरिया में जाके सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, साथ में वी केयर हर कैंपेन चलाएंगे। तो जो हमारी विनर थी, फर्स्ट रनर अप थी, वो थी हर्षदा गेडाम करके, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। और जो सेकेंड रनर थी वो थी स्वाति, जो पूना से है, उनका सरनेम है स्वाति गायकवाड़। और जो हमारे मिस में थी, मिस में फर्स्ट रनर अप थी ममता, जो कि यहाँ पे बैठे हैं। और सेकेंड जो रनर अप थी वो थी, बताइए, सुनंदा परमार, जो कि भिलाई, आई थिंक यूपी से है, वो बिलोंग करते हैं। तो ऐसे हमारे ऑल ओवर इंडिया से ही विनर्स बने थे, फर्स्ट रनर अप बोलो, विनर बोलो या सेकंड रनर अप बोलो। तो हमने पूरे भारत नेशन वाइड हमने ऑडिशंस लिए थे और जो भी हमारे विनर बने वो आप खुद देख सकते हो कि महाराष्ट्र को छोड़ के सब जगह से। मेरा जो इससे पहले जो फैशन शो हुआ था उसमें कविता जी चीफ गेस्ट के तौर पर थे, वहाँ पर उन्होंने हमारे ब्राइडल ड्रेसेस वगैरह देखे तो काफ़ी इम्प्रेस थे। तो एक दिन अर्ली मॉर्निंग उनका फ़ोन आया कि हम लोग ऐसे ऐसे ये पेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ उनसे कहा कि बताइए कितने ड्रेसेस चाहिए और कितनी मॉडल्स है, बस। तो कभी कुछ ड्रेस को लेकर या किसी बात पे लेकर कविता जी का इंटरफेयर की राजी नहीं, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं, कभी नहीं। उन्होंने 100% हम पे फेथ रखा, वो उनकी सबसे बड़ी बात है। और इनफैक्ट 8th को जब भी मॉडल्स आई तभी मैं ड्रेसेस के साथ आई, तो कभी उन्होंने ये भी नहीं। एवरीवन, आई एम श्रीजा कुरुप एंड यू आर वाचिंग करिश्मा मिसेस एंड मिस 2019। मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी क्योंकि मेरा जो एंटायर जर्नी था बहुत अच्छा रहा और विनर बनने के बाद तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि जब मेरी कविता जी से बात हुई थी जैसा उन्होंने कहा, इट वॉज़ ब्यूटी विद ब्रेन्स विद ह्यूमैनिटी। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा था कि बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, एंड ट्रस्ट मी ये मेरा पहला पेजेंट है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ रियली लकी कि मैंने फर्स्ट रनर अप विन। हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा थली एंड यू आर वॉचिंग करिश्मा मिस एंड मिसेस इंडिया 2019। थैंक यू। कविता मैम ने हमें जो चांस दिया इसमें ब्यूटी पेजेंट, इज़ माय फर्स्ट ब्यूटी पेजेंट, तो ऐसा है कि एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड जर्नी रहा है जहाँ पे हम लोगों का ग्रूमिंग हुआ और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ाई गई और हम लोगों ने नई नई चीज़ें सीखी नए लोगों के साथ। और सबसे बड़ा कंसेप्ट इनका जो है जिससे मैं अट्रैक्ट हुई थी वो था ब्यूटी ब्रेन्स एंड ह्यूमैनिटी, क्योंकि ह्यूमैनिटी ये जो वर्ड आ जाता है तो बहुत कुछ कह जाता है अपने आप में, क्योंकि ओनली ब्यूटी एंड ब्रेन्स नहीं होता है, इसमें एक होना चाहिए, बोलते ना इंसानियत जो है वो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। एंड मेरा मुझे जो टाइटल मिला है परफेक्ट ऐप है मेरे लिए, जो विद ब्यूटी विद पर्पस। मैं इन इस पेजेंट में आई थी नॉट एज अ मॉडल बट आई वॉन्टेड टू बी अ रोल मॉडल, एंड आई थिंक आई हैव वन दैट टाइटल एंड आई हैव वन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। That's it. I am very grateful to Kavita ma'am. पहले जो मैंने उन्हें कॉल किया था उन्होंने मैं बोला कि वो फाउंडेशन के लिए है, तो मैंने उसको गूगल किया सब कुछ एंड देन मैं मैम को बोला जी मुझे आना है एंड मैम वॉज वेरी करिश्मा 2019। मैंने मुझे जो ये प्लेटफॉर्म दिया है कविता मैम ने फैबुलस, यहाँ से मुझे बहुत सारी मतलब उनका जो कॉन्सेप्ट था कि ब्रेन ब्यूटी, नॉर्मली सब जगह पे ब्यूटी तो होता ही है पर यहाँ पे एक ह्यूमैनिटी थी वो है ना, वो चीज़ मुझे अंदर से खींचा कि नहीं मुझे इसमें पार्टिसिपेट तो होना ही है। तो यहाँ पे मुझे, मैं टॉप 5 में आई हूँ
प्लस मुझे यहाँ पे गुडविल एम्बेसडर का टाइटल मिला है, प्लस मुझे फोटोजेनिक का भी टाइटल मिला है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ पे मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। और थैंक यू सो मच कविता मैम और परमात डिस्ट्रीब्यूटर के इन्होंने आज इतना बड़ा मुझे प्लेटफॉर्म दिया। और साथ में मैं इवन मेरे फैमिली में से मेरे हस्बैंड का भी मुझे इतना ही सपोर्ट था कि उनकी वजह से भी आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। बहुत खुशी मिलती है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने जो मेहनत की वो सफल हुआ हमारा। पाँच रात हम लोग सोए नहीं थे, हम लोग ने इतना काम किया था, इतनी मेहनत की थी, दौड़ भाग की थी, वो हमारा सफल हो गया। जब वो हमारे ड्रेसेस पहन के जब मॉडल्स खुश होती थी तो वो सेटिस्फेक्शन मिलता था हमें उनको देख के। थैंक यू। हाय, माय नेम इज़ ममता, मैं बॉम्बे से हूँ। और ये जो करिश्मा मिस एंड मिसेस इंडिया 2019 है, उसका श्रेय मैं देना चाहूँगी कविता कनक को, जो हमारी ऑर्गेनाइजर थी, जो स्टार्ट से लेके एंड तक जर्नी थी, जिसमें उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा, जिससे हमें ब्यूटी, ब्रेन और ह्यूमनिटी, ये तीनों का मिक्सचर पता चला। ये तीनों चीज़ें, जो ब्यूटी तो हर जगह मिलती है बट अबाउट द ब्रेन एंड ह्यूमनिटी वो बहुत कम जगह रहती है। एंड इट वॉज अ वेरी सेफ एंड फेबुलस जर्नी फ्रॉम माई लाइफ एंड आई एम टेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी विथ मी। थैंक यू। पहले तो मैं कविता मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट पेजेंट था, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला मुझे। और सेकेंडली मैं अपनी मॉम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी जैसे मॉम और डॉटर आई वो विनिंग रही, क्योंकि उसकी मॉम की सोच कहीं ना कहीं वैसी थी, तो उसने अपनी मतलब उसकी मम्मी को भी करना होगा तो अपनी बेटी को लेके आई। लेकिन यहाँ पे जहाँ बेटियों को करना होता है और मॉम्स अलाउड नहीं करती, तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और प्लेटफॉर्म तो बहुत ही अच्छा था, मुझे करिश्मा मिस इंडिया शाइनिंग स्टार का टाइटल मिला।